कर्नल टॉड ने कहा था। राणा सांगा व महाराणा प्रताप के बीच में उदय सिंह न आता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और भी उज्जवल होते। मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और भी उज्जवल होते। और पॉइंट डालो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जगमाल का बाद में दत्तानी के युद्ध में निपटा दिया उसको सुरतराव सुरतार देवड़ा ने, याद करो, उसको भगा दिया। और बाद में ये स्कंद का राज्याभिषेक पहले तो गोकुंदा में हुआ, बाद में कुंभलगढ़ में किया। तो जगमाल भागकर अकबर की सेवा में चला गया। अकबर ने पहले तो भीलवाड़ा की एक जगह पड़ती है जहाजपुर, वो जगमाल को दी। और बाद में जगमाल को बीकानेर वाला राय सिंह गया था ना सुल्तान देवड़ा के पास, आधा छिरोई ले लिया था, वो जगमाल को दे दिया। फिर युद्ध हुआ दत्तानी का युद्ध, दत्तानी वाले युद्ध में सुल्तान देवड़ा ने जगमाल को देवलोक पहुंचा दिया। बताया था मैं 1583 दत्तानी का युद्ध हुआ था ना 83 में, उसमें मार दिया किसको। सारी बातें याद करनी है, 2 4 7 लिखो। पहले लिखो जन्म, देखो जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक जगह पड़ती है राणा कुंभा का निवास स्थल है कटारगढ़, और कटारगढ़ में एक जगह पड़ती है बादल महल, और बादल महल में एक जगह पड़ती है जुन्ना कचेरी। यहां इनका जन्म हुआ। अब देखना पहले परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछते थे महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ। जनसंख्या वृद्धि जैसे हुई एग्जाम देने वालों की संख्या बढ़ी, गहराई में गए, कहां पर हुआ, कुंभलगढ़ में। फिर पूछा कटारगढ़ में कहां हुआ, फिर पूछा बादल महल में कहां हुआ। अब पूछना खाट नंबर कितनी थी, दाई का नाम क्या था, वो अलग बात है। तो याद रखना महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जुन्ना कचेरी में हुआ। किनका जन्म, टाइम नहीं पूछेंगे, वार पूछ सकते किस वार को हुआ, वो सारी बातें बता रहा हूं मैं। अगर हिंदी में पूछे किस दिन हुआ तो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को इनका जन्म हुआ। इसी दिन प्रताप जयंती मनाई जाती है। तो कभी कोई एग्जाम में दे दे कि प्रताप जयंती कब मनाई जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। कोई पूछे इस दिन कौन सा वार था, द्वितवार था, उसका जन्म कब हुआ, रविवार के दिन। कोई पूछे कि विक्रम संवत कौन सी थी, ध्यान देना यहां प्रश्न गलत होने की पूरी संभावना है। तो इनका जन्म हुआ विक्रम संवत 1597 में, मृत्यु 1597 ईस्वी है, ठीक है, मृत्यु तो 1597 ईस्वी है। और अगर विक्रम संवत में जन्म पूछे तो 97 होगा, क्योंकि उज्जैन का एक राजा था जिसका नाम था विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य का राज्याभिषेक 57 ईसा पूर्व हुआ था, इसलिए 57 ईसा पूर्व में उस विक्रमादित्य ने अपने नाम पर एक संवत चला दी, विक्रमी संवत। अब अपने सारे अखबारों में हमेशा विक्रमी संवत, शक संवत, राष्ट्रीय संवत और ईस्वी लिखा हुआ आता है। तो ये बात याद ही रखना, अगर कभी भी कोई संवत का प्रश्न पूछे और ये पूछे विक्रमी संवत का संबंध बताइए तो उसमें 57 जोड़ दें, 2006 आएगा ना। अब कोई पूछ ले कि महाराणा प्रताप का जन्म किस विक्रम संवत में हुआ तो 57 जोड़ दिया। कोई पूछ ले कि गांधी का जन्म किस विक्रम संवत में हुआ तो पहले तो गांधी का जन्म याद करो कब हुआ था। तो ये तो जन्म जन्म की बात हुई है, किसके जन्म की, शायद मेरे याद है कि 2018 में एचएम की एग्जाम थी हेडमास्टर की, और उस एग्जाम में प्रश्न आया था कि महाराणा प्रताप का जन्म, मैं एग्जाम देने के लिए गया था, प्रश्न था महाराणा प्रताप का जन्म, मैंने पढ़ा इतना ही, महाराणा प्रताप का जन्म पहला ऑप्शन में दे रहा कि 1540 ईस्वी, और मैं भी देखता कर जय माता दी, ओ सही है क्योंकि गोलो कालो तो करना। फिर दोबारा पढ़े पेपर ने जब आगे दे रहा कि महाराणा प्रताप का जन्म किस विक्रम संवत में हुआ, वो बाद में पढ़े हो, था आपने बोली बार हुआ है ना, तो
प्रश्न पूरा पढ़ के उत्तर करना है, किस विक्रम संवत में, जहां बाद मुंह में एक ही बात निकला, ओ एक बट्टा चार। ओ को मतलब क्या हुआ है? एक बट्टा चार। तो प्रश्न अब तो एक बट्टा तीन और कर दिया दिखे, तो बाद में अब तो बच्चा आपने कहना और कोई इलाज ही कौन रहे। तो अब याद रखना प्रश्न को, मैं इस प्रश्न का शिकार हो चुका हूं। कौन से प्रश्न का? विक्रम संवत। तो आपका गलत ना हो, किस विक्रम संवत में हुआ? तो 1597। और ऐसे भी याद रखो महाराणा प्रताप को कहा जाता हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का। तो शेर का जन्म और शेर की ऊंचाई बराबर है। आगे लिखो, यह जन्म की बात है, बस अब चुपचाप लिखो, फिर बात करने लगे ना। जन्म, इसके बाद लिखना राज्याभिषेक। और महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है ये हुआ था 28 फरवरी 1572 में, और राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। याद रखना अच्छा प्रश्न है, गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। गोगुंदा और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है? है ना, भोराट का पठार। और डूंगरपुर और सॉरी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य, और डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य मेवल। चार प्रश्न यान का ही, एक तो ऊपरमाल का पठार, एक भोराट का पठार, एक छप्पन का मैदान, एक मेवल। 100% परीक्षा में आया ज्योग्राफी पढ़ाओ जिसका गलो बैठा बैठा थाना बताओ और थे हमेशा गलत कर रहा हो। ज्योग्राफी में बताओ ना, भोराट का पठार, छप्पन का मैदान, मेवल और ऊपरमाल का पठार। तो याद रखना गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ। इस दिन अभी बताया था मैंने कौन सा दिन था, अब ध्यान देना इस बात का। आज तक एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछा है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस महीने में हुआ। और मैं कह रहा हूं कॉमन सेंस का प्रश्न है, जिस दिन एग्जाम में आ गया ना उस दिन सभी जो किताब होंगी उनमें मोटे अक्षरों में लिखा हुआ आएगा। तो ये कॉमन सेंस की सी बात है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हुआ, क्योंकि होली कब आती है? मैं लिखा रहा हूं सुन लेना, फाल्गुन मास की पूर्णिमा, क्योंकि इस दिन होली आती है, इसलिए फाल्गुन मास की पूर्णिमा अगला दे तो भी कोई गलत नहीं है। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में होली के दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हुआ। उतार लो ऐसा कैसा, मृत्यु, मृत्यु में यू बड़ा आग छोटो सही है क्यों? देखो मतलब वो हाथ के जिसरे नाम 19 जनवरी 1597 ईस्वी है, ये महाराणा प्रताप की मृत्यु है 19 जनवरी 1597 ईस्वी में, और मृत्यु हुई है चावंड में, और चावंड भी उदयपुर में है, गोगुंदा भी उदयपुर में है, चावंड भी उदयपुर में है, और जन्म राजसमंद में हुआ है। कुंभलगढ़ कहां पर है? तो याद रखना तीनों चीज, ये कुंभलगढ़, गोगुंदा, राजसमंद 9 मई 1540, 28 फरवरी 1572, 19 जनवरी 1597। मृत्यु कहां पर हुई है? चावंड में हुई है। तो ये तो महाराणा प्रताप की मूल मूल बात थी, ठीक है। हालांकि इनका दाह संस्कार बाडोली में किया गया था, दाह संस्कार कहां पर किया गया था और सुनना इनकी बात। अब इनके इन तीनों चीजों से हम तीन प्रश्न निकालेंगे, महाराणा प्रताप का जीवन काल बताओ, 40 में जन्म हुआ, 97 में मृत्यु हुई है, तो जीवन काल कितने वर्ष का? अब ध्यान देना अगर ऑप्शन में 57 वर्ष नहीं है, 56 वर्ष है, 58 है, तो 56 वर्ष 9 महीने कुछ दिन थे, तो फिर 56 वर्ष उत्तर करना, ऐसा एग्जाम में दिया है। क्योंकि एग्जामिनर हमेशा क्या करता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट देकर बावड़ा बनाता है, तो वहां ये नहीं करना मान तो 57 लिखा है, 56 ही आवे। क्योंकि जन्म देखो मई में हुआ, मृत्यु कब हो गई? जनवरी में, तो 4-5 महीने कम पड़ रहे, तो 56 वर्ष कुछ 9 महीने के लगभग है, 8 महीने कुछ दिन या 9 महीने कुछ दिन,
निकाल कर देख लेना चाहे तो 56 वर्ष भी ऑप्शन में आता है, 57 नहीं है तो 56 सही है। बात समझ गए क्या? तो ये इनका जीवन काल था। अगर प्रश्न पूछे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक की आयु, जब इनका राज्याभिषेक हुआ तब कितने वर्ष के थे, समझ गए बात? राज्याभिषेक कब हुआ, जन्म कब हुआ, कितने साल बचे, 32 वर्ष। प्रश्न पूछते महाराणा प्रताप का शासनकाल, कितने वर्ष है, 72 + 25 बराबर, छाप लो तीनों। अब मैं कोष्ठक में नहीं लिखा रहा, अगर कोष्ठक में लिखे तो जीवन काल में लिखे 40 - 97 = 57। 40 में जन्म हुआ, 97 में मृत्यु हुई है, तो कितने बचेंगे? हाँ, ये साइंस वालों की ज्यादा गड़बड़ होगी, आठ वाले तो फिर भी समझ रहे हैं। तो ये 57, राज्याभिषेक की आयु लिखना 32 वर्ष, शासनकाल 25 वर्ष। हाँ, जीर्ण कौन थी? जीर्ण कौन ध्यान कहते बैठे गए हो, थे डॉक्टर बन जाओ, जाओ बड़े हरगन जवाब गुन के खे पिपराली रोड पर जाओ, साइंस डिपार्टमेंट को अभी बो है, पर आकी भट्ठी ने नहीं पार पड़े जिन कठिन भागे ही दल बदलू। बस संविधान के अनुसूची 10वीं है ना, मैं दल बदल है अपरला स्थाई आदमी, खैर थारी कोई गलती को ना, क्योंकि तन दिवा दी जोरा मर्दी लेता कौन थे हने ये कौन हुआ वो उधर वो पहले शुरू शुरू में इन बातों का मैं बहुत सामना किया हुआ हूं, क्योंकि मैं पढ़ाता था थोड़ा स्पीड से, तो आता हुआ क्या सर मैं साइंस वाला थोड़ा धीरे पढ़ाया मेरे वीडियो पढ़े ना उनमें देख लेना, मैं क्लास में बोलता था कि कोई भी मुझे ये नहीं बोलेगा मैं साइंस वाला हूं, तो जानू मैं थाने लिख लो एक उन्हें बताऊ ऐप वे मिलेंगे ऐप ना ऐप उसी में ना ना जरूरी को नहीं रहने देते, पॉपुलर गण कर रखे थे लिखो लिख लिया तीनों चीज। अब लिखो पिता का नाम, पिता का नाम है उदय सिंह, माता का नाम है जयवंता बाई, लिखने साथ माता का नाम था जयवंता बाई और ये पाली के अक्षय राज सोनग्रा की पुत्री थी। पाली के अक्षय राज सोनग्रा की पुत्री किनके माता पिता है ये? ठीक ठीक, तो माता का नाम जयवंता बाई है, पाली के अक्षय राज सोनग्रा की पुत्री थी, पत्नी का नाम है अजब दे पंवार, गजब नहीं अजब दे पंवार, पुत्र का नाम है अमर सिंह फेस्ट, कौन सा पूछा है एक बार दिखाओ मैंने हे लिख लियो, पुत्र का नाम है अमर सिंह फेस्ट, मैं ये मिटा रहा हूं इधर से। फिर लिखना साहित्य का नाम, मतलब साहित्य में इनका नाम मिलता है पाथल, क्या नाम मिलता है, और वो पृथ्वीराज राठौड़ है बीकानेर का, उसका नाम मिलता है पीथल, और दोनों के ऊपर कविता लिखी थी चूरू के सुजानगढ़ के रहने वाले कन्हैयालाल सेठिया ने, पीथल पाथल री कविता, तो पाथल इनका साहित्य का नाम है। बचपन का नाम, और बचपन का नाम है किक्का, और सही बात यह कि पहाड़ी भागों में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन छोटे बच्चों के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है किक्का, आज आपने छोटा टाबन बोला कि ना बुल्ला बाबू, तो ये सारे किक्का थे, उदय सिंह भी किक्का था, विक्रमादित्य भी किक्का था, सांगा भी किक्का था, सबको ही किक्का बोलते थे, पर भगवान जाने आरपीएससी वालों के ये क्या दिमाग में खटके, वो कह रहे किक्का तो यही है,
कौन? और अब की बार फर्स्ट ग्रेड में फिर दे दिया कि महाराणा प्रताप का बचपन का क्या नाम था, इक्का। इनके घोड़े का नाम क्या था? वही तो अपन एक आवे, घोड़े का नाम क्या था? चेतक। और मेरा इस अधीनस्थ बोर्ड से थोड़ा विश्वास उठ गया, मतलब राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा कि चेतक के भाई का क्या नाम था। मैं कह रहा हूं कि ये इन आदमियों की वंशावली याद नहीं होती, इन जानवरों की वंशावली कैसे याद होगी? मम्मी कौन थी, इनका पापा कौन था, इनका भाई कौन था, बहन कितनी थी। मैंने तो उस दिन यह सोच लिया था हिस्ट्री पढ़ानी बंद करनी पड़ेगी, आदमियों की याद नहीं होती। पर फिर मैं सोच रहा था आर्ट वाले तो कैसे न कैसे करके लेंगे, साइंस वालों का क्या होगा, इसलिए मैंने सोचा पढ़ा दो। ठीक है, तो सुनना कहानी है इसके पीछे भी। मैंने फिर इसका सर्च अभियान शुरू किया तो इसकी कहानी ये मिली कि मालानी गांव का एक व्यक्ति कोई घोड़ों का व्यापारी था और वो दो घोड़े लेकर उदय सिंह के दरबार में आ गया और उदय सिंह को उन्होंने कहा कि अपने घोड़े बहुत ही सुंदर है अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग और ये अपने किसी भी शासक को कभी धोखा नहीं देते। तो उदय सिंह ने कहा तेरे घोड़ों में ऐसी कौन सी विशेषता है ये बता। तो कहा कि घोड़े इतना बल लगाते हैं कि उस समय अपने आप खुद को भूल जाते हैं। तो उदय सिंह ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, एक काम कर तेरे दोनों घोड़ों को खड़ा कर दे और इनके बाहर कांच पिंगला दे। कांच जानते हो ना, तो इनके दोनों एक घोड़ा जो था एक घोड़े के पैरों के चारों ओर कांच पिंगला दिया और कांच पिंगलाने के बाद मालानी के घोड़े थे तो मालानी के बहुत जोरदार घोड़े आते हैं बाड़मेर के, और उस घोड़ों के व्यापारी ने एक घोड़े के लगाम लगाई और कांच पिंगला देने के बाद उस घोड़े ने अपना अस्त बल लगाया जिससे उसके पैर चारों जो थे वो कांच में रह गए, घोड़ा आगे कूद गया तो चारों पैर कट गए उस घोड़े के, इतनी शक्ति लगाई उस घोड़े ने। उसके साथ था ये कौन सा, इसलिए अकबर उस उदय सिंह ने कहा ये इधर दे दे, और वो चेतक बाद में किसको दे दिया, तो जो कूदा था उसका नाम था त्राटक, इसका भाई था उसका नाम क्या था, त्राटक, इसलिए पूछ लिया उन्होंने कोई। तो घोड़े चेतक के भाई का नाम क्या है, थे भी लिख लियो, हाथी का नाम, हाथी का नाम है राम प्रसाद, और ध्यान देना 11 फरवरी 2018 को रीट की एग्जाम लगी थी और उस रीट वाले एग्जाम में प्रश्न आया कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम है और सारे लोग प्रश्न को पढ़ रहे महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है और पहले ऑप्शन में चेतक सारे कर रहे चेतक। एक कोई मेरा भी दोस्त था जो CISF में लगा हुआ है, वो आया था पेपर देने के लिए, उसने मुझे कॉल किया बोले यार एक प्रश्न भाई साहब मेरा सही हो गया। मैंने कहा कौन सा, बोले 18 नंबर का प्रश्न देखो, वो तो मुझे आता था भाई CISF में लगा हुआ था उसको टाइम कहाँ मिलता है पढ़ने का, वो तो आया हुआ था तो सोचा दे ले एग्जाम। तो मैंने कहा कौन सा प्रश्न, बोले वो है ना देखो 18 नंबर का चेतक वाला। मैं बोले भाई साहब वो भी गलत है क्योंकि उसमें चेतक है ही नहीं। बोले कैसे नहीं है, पढ़ो आप। मैंने कहा मैंने तो पढ़ लिया, उसमें हाथी पूछा है, बी ऑप्शन में राम प्रसाद है वो होगा। बोले यार वो मैंने तो पढ़ा ही घोड़ा ही था। मैंने कहा तूने नहीं बहुत ने पढ़ा है, तो याद रखना कभी कोई पूछ ले हाथी का नाम तो हाथी का नाम क्या है, राम प्रसाद। प्रताप के अन्य नाम, तो प्रताप के उपनाम कौन कौन से है, हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज लिख लिया क्या, ये प्रताप के उपनाम थे। तो ये तो प्रताप की केवल जीवनी है, समझ गए बात, अभी लड़ाई झगड़े पूरे बाकी पड़े हैं। प्रताप का जैसे राज्याभिषेक हुआ तो इनके राज्याभिषेक के समय राज तिलक करने का काम तो पाली के अखेराज सोनगरा ने किया था और तलवार बांधने का काम कृष्ण दास चुंडावत ने किया था, जो चुंडावत कहा के थे, सलोम्बर के थे। ठीक, तो नीचे दो लाइन और लिखना, प्रताप के राज्याभिषेक के समय राज तिलक प्रताप के राज्याभिषेक के समय राज तिलक
राज तिलक, देश लगा के लिखो, अखे राज सोनग्रा ने किया था। अखे राज सोनग्रा ने किया था। लिखना तलवार बांधने का कार्य, तलवार बांधने का कार्य सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने किया था। सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने किया था। जैसे इनका राज्य अभिषेक हुआ, अकबर को पता चल गया कि भाई उदय सिंह तो खत्म हो ही गए और अब कौन है, महाराणा प्रताप। इसलिए उदय सिंह ने सबसे उदय उसे अकबर ने सबसे पहले महाराणा प्रताप के पास गुलदस्ता देकर एक आदमी को भेजा कि ये गुलदस्ता लेकर जा और प्रताप को जाकर थैंक यू बोलना कि प्रताप आप मेवाड़ के इतनी बड़ी रियासत के शक्तिशाली राजा बने हो, इसलिए फिर अकबर से मुलाकात कर लो। तो सबसे पहले जलाल खां कारची को भेजा, उससे बातचीत नहीं बनी तो आमेर वाले मान सिंह को भेजा, मान सिंह से बातचीत नहीं बनी तो उसके पिता भगवंत दास को भेजा, और भगवंत दास से भी बातचीत नहीं बनी तो अपने वित्त मंत्री टोडरमल को भेजा, और जब चारों से बातचीत नहीं बनी तो अंतोगत्वा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो पॉइंट डालना, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए राजदूतों का क्रम, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए राजदूतों का क्रम। हाँ सर, ठीक हाँ जी, लिख लिया क्या? तो भेजे गए राजदूतों का क्रम, क्रम लिख लिया ना। तो चार आदमी आए, सबसे पहले कौन आया? इन चार आदमियों को देखो ऐसे याद करना, अकबर महाराणा प्रताप का जम्मा भट्टो बैठाना चाहता था लेकिन नहीं बैठा पाया। अपने मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ना, तेरो जम्मा भट्टो बैठा दूंगा। तो जम्मा भट्टो बैठाना चाहता था लेकिन नहीं बैठा पाया, तो याद ही ऐसे करना, जम्मा भट्टो। जय का मतलब कौन है? जलाल खां कारची। मां का मतलब है मान सिंह, भय का मतलब है भगवंत दास, और टो का मतलब कौन आए? टोडरमल। तो आराम से याद हो सकते हैं, जम्मा भट्टो के नाम से। कर्म पूछते हैं बहुत बार, ये पूछ लेंगे दूसरे नंबर पर कौन आया, पहले नंबर पर कौन आया, तीसरे नंबर पर कौन आया, सबसे अंत में किसको भेजा, तो ये कर्म याद रहेगा तो आराम से याद रह जाएगा। और देखो समय याद करना तो और भी इजी है, 1, 72, 3, 73। 1, 72 में आया, बाकी 3 कब आए? 73 में। तो लिखना 1, 72, 3, 73। एक बहत्तर तीन तेहत्तर तो जलाल खान को तो कह दिया सबसे पहले गुलदस्ता लेकर यही आए, और आकर प्रताप को कहा थैंक्स प्रताप जी, आप मेवाड़ के राजा बने हो। प्रताप ने भी कहा थैंक्स, बहुत बहुत थैंक यू आपको, या आप ये लेकर आए हो गुलदस्ता लेकर आए हो, तो बैठो चाय पानी पियो। चाय पानी पिलाई किसको? जलाल खान कारचे लास्ट में उठकर चलने लगा, तब बोला कि वो अकबर ने कहा है कि आप उनके अधीनता स्वीकार कर लेते। तो प्रताप ने कहा समझ गया मैं, रहने दो रहने दो, कोई बात नहीं, आप अकबर को कहो वो उधर आराम से दिल्ली में राज करे, मैं यहां कर रहा हूं, कोई चिंता वाली बात नहीं, आप तो जाओ। इसको भेज दिया। अकबर ने जाते ही पूछा क्या हुआ जलाल का? बोले महाराज गुलदस्ता तो ले लिया, चाय भी पिलाई, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा वो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, उधर शासन कर रहे हैं मैं इधर कर रहा हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं, आराम से शासन करे। फिर इस मान सिंह को भेजा, मान सिंह को डूंगरपुर अभियान पे गया हुआ था। मान सिंह को सूचना दी कि मान सिंह जी आते वक्त प्रताप से मिलके आना है, इसे मिलके आना है प्रताप से। अब मान सिंह आया डूंगरपुर अभियान से, कहा
चित्तौड़ में। तो ये चित्तौड़ में आया तो प्रताप को पता ही था भाई आमेर का राजकुमार आ रहा है। ये राजा नहीं था उस समय, राजकुमारी था। तो कहा आमेर का राजकुमार आ रहा है, कौन सी दिक्कत वाली बात है, अपने राजकुमार को मिलने के लिए भेज देंगे। तो उदय सागर झील के पास कोई खाना वाना की व्यवस्था करवाई, किसकी, मान सिंह की। उदय सागर झील के पास खाने की व्यवस्था करवाई और वहां पाकशाला में भोजन बनवा के अमर सिंह फेस्ट को भेजा कि वहां राजकुमार आया तो मेरी मिलने की क्या जरूरत है, तू भी राजकुमारी है, राजा का पुत्र, तू मिल ले वहां जा। राजकुमार अमर सिंह फेस्ट आया तो मान सिंह के लिए भोजन डलवा दिया, और भोजन डलवाने के बाद अमर सिंह फेस्ट खड़ा तो मान सिंह ने पूछा कि तेरे पापा नहीं आए क्या, किसको पूछा, अमर सिंह फेस्ट बड़ा नटखट था, इसने कहा पापा के पेट में दर्द हो रहा है, और पापा ने ये कहा आप मिल लो उनसे, तो मैं आ गया ना। तो कहा अच्छा वो मेरे साथ भोजन नहीं करेंगे, किसने कहा, मान सिंह ने। तो अमर सिंह ने कहा बता दिया ना पेट में दर्द हो रहा नहीं आए। मान सिंह को गुस्सा आया, बोले पेट का दर्द तो मैं हल्दी घाटी के मैदान में ठीक कर दूंगा, किसने कहा, अमर सिंह ने कहा पक्का, बोले हाँ, बोले एक काम करना सुनो, उठ कर ये चल पड़ा, चलते को पीछे से आवाज लगाई अमर सिंह ने, मान सिंह अंकल है एक बार, ये रुका क्या है, बोले अकेले मत आना, फूफा जी को साथ लेकर आना। फूफा जी कौन, क्योंकि मान सिंह की बुआ जी की शादी हुई थी, मान सिंह की बुआ जी भगवंत दास की बहन थी जिसका नाम हरका बाई था। अब ये और लाल ताता हो गया, बोले फूफा जी नाम कैसे ले दिया, बोले है तेरा फूफा जी इसलिए बोला है, क्यों था ही। अब ये और आगे जल्दी जल्दी चला, बोलता बोलता ये फिर से नटखट तो था, फिर आवाज लगाई मान सिंह अंकल एक बार फिर से, अरे फिर घूमा, बोले अब क्या है, बोले सुनो हमारे यहाँ पाली क्षेत्र में सोजत नामक स्थान है और वहां की मेहंदी बहुत जोरदार है। तो मान सिंह ने कहा मैं क्या करूं, बोले करना क्या, थोड़ी ले जाओ बुआ जी के लिए। फिर छेड़ दिया किसको, मान सिंह एकदम लाल ताता हुआ पहुंचा सीधा अकबर के दरबार में, और जाते अकबर को कहा जहां अपना आप मुझे अनुमति दो, मैं या प्रताप को या तो आड़ा लेकर आऊंगा या सीधा लेकर आऊंगा। कौन कह रहा है, प्रताप। अकबर ने कहा अच्छा प्रताप को तू आड़ा या सीधा लेकर आएगा। अकबर के पास दूसरा खड़ा था, बोले ठंडो पानी पाओ थोड़ो गर्म हो रहा, किसको जानता नहीं बात किसकी कर रहा है, प्रताप की कर रहा है। लेकिन इसने कहा आप मुझे अनुमति दो, तो प्रताप अकबर इस बात पर एक्शन जरूर लेता है कि इसको अनुमति तो देनी ही, आगे भेजना तो है। अकबर ने सोचा यार बेटे की नहीं मानी तो बाप को भेज दे, बाप कौन है, भगवंत दास जी के, यार भगवंत दास जी को उतारा सीढ़ी सीढ़ी, किसने, प्रताप ने। ये प्रताप ने इसके साथ वार्तालाप की कि देख भगवंत दास ध्यान से सुने, तू भगवंत दास तेरे दादा का नाम बता। तो भगवंत दास ने कहा मेरे दादा पारमल के पापा ही होंगे, तो उनका नाम है पृथ्वीराज कछवा। बोले अच्छा इधर ध्यान दे, मैं शासक हूं और मेरे पिता कौन थे, उदय सिंह, थैंक यू प्रेम जी, उदय सिंह है। और उदय सिंह जो है, उदय सिंह के जो पिताजी थे वो कौन थे, सांगा। बोले हाँ जी बराबर थे। बोले इधर ध्यान दे, अब कौन है, बोले अकबर। अकबर का पिता कौन, बोले हुमायूं। हुमायूं का पिता कौन, बोले बाबर। समझ में आ गई बात कि अकबर, अकबर का पिता हुमायूं, हुमायूं का पिता बाबर, भगवंत दास, भगवंत दास का पिता बारमल, बारमल का पिता पृथ्वीराज। इसका पृथ्वीराज क्या लगा, दादा। इसका सांगा क्या लगा, इसका बाबर क्या लगा। अकबर प्रताप ने कहा तेरे दादा मेरे दादा के साथ, तेरे दादा मेरे दादा की छतरी के नीचे अकबर के दादा के विरुद्ध लड़ रहे थे। कब लड़ रहे थे, खानवा के युद्ध में लड़ रहे थे, एक नहीं लड़ रहे थे, लिखा था हमने। तो शर्म कर उस उनकी थोड़ी लहाज रख तेरे दादा की, अगर तेरे में हिम्मत है तो तू मेरे साथ आ, हम दोनों मिलकर अकबर से लड़ेंगे। किसको कहा, भगवान दास का पानी पानी हो गया, वरना दोबारा कभी भी इधर पैर करके उठाकर मत आना, भगवान दास तो बिना बोले चले वो। वापस गया उधर अकबर के पास, अकबर ने जाते ही पूछा भगवान दास जी क्या हुआ, भगवान दास जी ने कहा नहीं पार पड़ी बात, मानने का तो है नहीं, टोडरमल जी को भेजा, टोडरमल जी जाओ, ये अकबर के वित्त मंत्री थे। ये आया प्रताप से रामा श्यामा की, प्रताप ने पूछा वो टोडरमल जी बैठो, तो कहा प्रताप जी मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने सुना कि आपके पास थोड़ा खजाना कम है और मैं अकबर का वित्त मंत्री हूँ, अकबर के पास बहुत रुपए हैं। कौन कह रहा है, प्रताप ने कहा तो क्या करे, बोले करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप अकबर के दीनता स्वीकार कर लो। प्रताप ने कहा आप चिंता ही मत करो, पैसे मेरे पास नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, हमारे यहाँ भामाशाहों की कमी नहीं है मेवाड़ में,
खूब सारे भामाशाह है, दुनिया के पास बहुत पैसे हैं, आप तो आराम से जाओ, अकबर को कहो शासन करे ढंग से। भेज दिया किसको? युद्ध हुआ कौन सा? पॉइंट डालो, अर्धी घाटी का युद्ध। हाँ मैं समझ गया भावना, मेरू पहली थार लाग रही है चाय की, ये आ लियो आ थारी थार है कौन लागे लिखो अर्धी घाटी का युद्ध। अर्धी घाटी का युद्ध तारीख लगाओ 18/21 जून 18/21 लिखना को नहीं है, पढ़ने पड़ गया साइंस। 18/21 जून 1576 18/21 जून 1576। अब दिक्कत ये आई कि 18 करें कि 21 करें, तो 8 वाला वो तो पता ही है भाई, गोपीनाथ शर्मा 21 मानता है, आप भी सुन लो। अरे इनको तो पता ही है गोपीनाथ शर्मा 21 जून मानता, बाकी सारे कौन से मानते हैं? नीचे लिखो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। अब इनको ये नहीं पता गोपीनाथ शर्मा कहाँ का, जयपुर का है। गोपीनाथ शर्मा इतिहासकार है। देखो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध 21 जून को हुआ था। हल्दी घाटी का मैदान कहां पर है? राजसमंद, कोष्ठक में लगा लेना राजसमंद। सीधा प्रश्न आ जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध कहां पर हुआ? राजसमंद में हुआ था। और दो पहाड़ियां, एक खमनौर की पहाड़ी है, गोगुंदा की पहाड़ी है। गोगुंदा वाली तो उदयपुर में और खमनौर वाली राजसमंद में, और दोनों पहाड़ियों के बीच में एक जगह पड़ती है रक्त तलाई। रक्त तलाई उसका नाम इसलिए पड़ा कि वहां बाद में रक्त खूब ज्यादा बहाया गया, तो उनके बीच में युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ कहां पर था? गोगुंदा व खमनौर की पहाड़ियों के मध्य। लिखो यह है युद्ध। गोगुंदा व खमनौर की पहाड़ियों के मध्य रक्त तलाई के मैदान में हुआ था। गोगुंदा व खमनौर की पहाड़ियों के मध्य रक्त तलाई में हुआ था। तो किन किन के मध्य युद्ध हुआ? तो नीचे लिखो महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर। महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर। अब सुनना, इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व तो किसने किया और प्रताप की सेना का नेतृत्व है? स्वयं प्रताप ने किया था, याद रखना ये बात, ठीक है? तो नीचे लिखो इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व है। अकबर की सेना का नेतृत्व है मानसिंह व आसफ खान ने किया था। मानसिंह आमेर वाला है, मानसिंह व आसफ ने किया था। आसफ खान ने किया था तथा प्रताप की सेना का नेतृत्व स्वयं प्रताप ने किया था। प्रताप की सेना का नेतृत्व स्वयं प्रताप ने किया था। तो प्रताप की सेना का नेतृत्व स्वयं प्रताप ने किया और अकबर की सेना का नेतृत्व है। अब एक बात ध्यान से सुनना, दोनों की सेना के अंदर एक ये है कि हरावल जस्ता था,
हरावल जस्ता बोलते हैं अग्रिम पंक्ति को। हरावल जस्ता किसको बोलते हैं? अग्रिम पंक्ति को। तो ये हरावल जस्ते का जो नेतृत्व करने वाले थे वो कौन कौन थे? तो अकबर की सेना में तो दो आदमी है, एक था जगन्नाथ कछवा, ये मान सिंह कछवा था ना, इनके चाचा जी थे जगन्नाथ कछवा, ये नेतृत्व कर रहा है, और एक आदमी है सैयद हाशिम खां। हरावल जस्ते का नेतृत्व करने वाले अकबर की सेना में कौन थे? जगन्नाथ कछवा और सैयद हाशिम खां, अग्रिम पंक्ति का। और प्रताप की सेना में हरावल जस्ते का जो नेतृत्व करने वाला था, हरावल जस्ते का नेतृत्व करने वाला वो था हकीम खां सूरी। कौन था? और ये बंदा हरावल जस्ते का नेतृत्व करता है, लेकिन नेतृत्व करता हुआ देश के काम आ गया। कौन? याद करो, देखो हसन खां मेवाती खानवा के युद्ध में, वो प्रताप, वो सांगा की सेना का नेतृत्व कर रहा है बाबर के विरुद्ध, और ये हकीम खां सूरी एक पठान था, ये नेतृत्व कर रहा है किसकी सेना में? प्रताप की सेना में। हरावल जस्ता अग्रिम पंक्ति होती थी, चंद्रावल जस्ता पीछे की पंक्ति होती थी, प्रताप वाली में चंदावल जस्ता भी था। चंदावल जस्ता का मतलब है पीछे की पंक्ति का नेतृत्व करने वाले। ये अग्रिम पंक्ति लाइन जो थी ना सेना की, आगे आगे वाले और पीछे पीछे वाले, तो पीछे पीछे वाले जो आदमी है उसमें एक तो है ताराचंद, एक है भामाशाह, एक है कृष्णदास चुड़ावत, अभी नाम लिखा था क्या, चुंडावत, और एक है पुंजा भील। ये पुंजा भील जो है ये भील सेना का नेतृत्व कर रहा प्रताप की सेना में, भील सेना का, भील सेना अलग से थी प्रताप की, और भीलों का नेतृत्व करने वाला पुंजा भील ही था। एग्जाम में आया हुआ है एक बार प्रश्न कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से भील सेना का नेतृत्व करने वाला बंदा कौन था? पुंजा भील। ये पीछे वाले हैं, ये अब की बार रीट वाले पेपर में प्रश्न दिया था कि चंदावल जस्ते का नेतृत्व करने वाला कौन था कौन नहीं था, तो ये तो सारे हैं, ठीक है, ये चंदावल जस्ते वाले। हरावल जस्ते का दो चार बार प्रश्न आया कौन सा सूरी, ये अकबर की सेना में। अकबर और प्रताप की सेना का जो अनुपात था वो ये था, कितना था, मैंने ऐसे लिखा अकबर और प्रताप की सेना का अनुपात, अगर ऐसे दे दे अकबर व प्रताप की सेना का अनुपात, उत्तर आएगा 4:1। और पहले पेपर में लिख दे प्रताप व अकबर की सेना का अनुपात 1:4, तो कंफ्यूज वाला सा प्रश्न है, साइंस वाले ध्यान दे, 1:4 और 4:1, ये दोनों की सेना का था अंतर। इस युद्ध में प्रताप की ओर से लड़ने वाला जो व्यक्ति है वो है हकीम खां सूरी, और ये हकीम खां सूरी लड़ता हुआ मारा गया। प्रताप की ओर से एक ग्वालियर का शासक लड़ रहा है, और उस ग्वालियर के शासक का नाम था राम शाह तंवर, और ये अपने 3 पुत्रों सहित मारा गया। प्रताप सिंह सालीवाहन और दुर्गेश नाम के 3 पुत्र थे, तीनों के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। तो एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की ओर से लड़ता हुआ ग्वालियर का कौन सा शासक अपने परिवार सहित मारा गया? राम शाह तंवर। इस युद्ध में प्रताप अपने घोड़े पर था, और जब ये घोड़े पर था तो इसके सिर पर जो राजकीय छत्र लगा हुआ था उस छत्र से ये मानसिंह हाथी पर सवार था, मानसिंह पर अटैक किया, घोड़े ने छलांग लगाई और हाथी की जो सूंड थी उसमें खंजर बंधा हुआ था, उस खंजर की वजह से घोड़े का पैर कट गया। महाराणा प्रताप घायल होता दिखाई दिया, महाराणा प्रताप का राजकीय छत्र उतार लिया सादड़ी के झाला, कौन था, जाला बिद्दा, और बिद्दा का नाम क्या है, मन्ना। जाला बिद्दा ने प्रताप का राजकीय छत्र धारण कर प्रताप के प्राण बचाए। प्रताप अपने घोड़े को लेकर निकल पड़ा वहां से, क्यों, राजकीय छत्र इसने धारण कर लिया तो मुगल तो टूट पड़े इधर, और प्रताप वहां से निकल गया। आगे जब हल्दी घाटी वाले मैदान से आगे निकला तो वहां एक पानी का नाला बह रहा था, और उस पानी के नाले को घोड़ा पार करने लगा, 3 पैरों से ही तो था, तो उस पानी के नाले को जब पार किया, छलांग लगाई, तो घोड़ा गिर गया, और गिरने के कारण मर गया, इसका घोड़ा चेतक।
पीछे शक्ति सिंह नाम का इनका भाई था जो मुगलों की सेना में था, जगमाल मुगलों की सेना में है, शक्ति सिंह मुगलों की सेना में है, तो शक्ति सिंह पीछे जाता है फिर प्रताप के, और जब घोड़ा गिरा तो पीछे से शक्ति सिंह बोलता है ओ लीले घोड़े रे सवार, साथ देता तो पहले देता, लेकिन बाद में ये शक्ति सिंह अपना जो घोड़ा था वो किसको दे देता है, प्रताप को दे देता है, और प्रताप वहां से फरार हो जाता है। तो युद्ध निर्णायक रहा, युद्ध क्या रहा, क्योंकि मान सिंह यह कहकर आया था कि मैं या तो प्रताप को आड़ा लेकर आऊंगा मतलब मार कर ले हूं, या उसको पकड़ के लेकर आऊंगा, क्यों कौन कर सक्यो कौन है। इसके बाद में अकबर ने मान सिंह के और अकबर के बीच में थोड़ी अनबन सी हो गई, अकबर ने कहा दिखना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया इसका काबुल, अफगानिस्तान में टेक दिया जहां आज तालिबान का राज है। तो मान सिंह फिर 5 साल उधर ही पड़ा रहा, इधर काबुल से जब वापस आगरा लाया तो इधर दीदी के गांव में टेक दिया बंगाल, पहले तो इधर है बाद में इधर। तो मान सिंह के अकबर के थोड़ी अनबन सी हो गई, अकबर ने जाते ही पूछा सुना मान सिंह आड़ा है सीधा है कौन प्रताप, तो मान सिंह बोल नहीं पाया। तो ये युद्ध कैसा रहा था, घोड़ा जिस जगह पर गिरा था उस जगह का नाम है बलीचा, और ये बलीचा गांव पड़ता है राजसमंद में, एक बलीचा दो उदयपुर में है राजसमंद में, दो बलीचा है, लेकिन ये जो छतरी बनी हुई है ना चेतक का जो स्मारक बना हुआ है वो बलीचा गांव राजसमंद में है, कौन से गांव में है राजसमंद में, यहां पर इनकी बनी हुई है छतरी, किसकी, चेतक का चबूतरा, चेतक का स्मारक, चेतक की छतरी बलीचा गांव में, और कुंभ राणा सांगा का जो स्मारक है वो कौन से गांव में, बसवा में, कौन से गांव में, हाँ बसवा गांव, कल तो लिखाया था दोसा, सांगा की छतरी जो है वो मांडलगढ़ में, स्मारक बसवा में है और छतरी कहां पर है मांडलगढ़ में, सुन रहे थे कि था मांडो। अब अति देर बात करा वह भी लिख लियो, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, कहां तक लिख लिया, प्रताप की सेना का नेतृत्व स्वयं प्रताप ने किया, यहां तक ही लिखा ना, अगला पॉइंट लिखो, अकबर की सेना के हरावल जस्ते का नेतृत्व है, कौन सोख रहे हो यहां, दे ही पाल रहा के खा खा के, अकबर की सेना के हरावल जस्ते का नेतृत्व है, पढ़ना ही नहीं कौन की तेरी मोबाइल कटे, हाँ अब नहीं निकालना बाहर ने बोल रहा हो रहा ऊपर, अकबर की सेना के हरावल जस्ते का नेतृत्व है, लिख लो किसने किया, जगन्नाथ कछवा वह सैयद हाशिम खान ने किया था, ये दोनों आए हुए हैं एग्जाम में, सैयद हाशिम खान जगन्नाथ कछवा, सैयद हाशिम खान व जगन्नाथ कछवा ने किया था, सुंदावत करता लेकिन इम हकीम ससुरी है, क्योंकि चुंडावतों को पीछे वाला दस्ता दे दिया ना भाई, चंदावल दे दिया ना इसलिए आगे दूसरा आदमी लिख लिया। अगला पॉइंट को, प्रताप की सेना के हरावल जस्ते का नेतृत्व है, प्रताप की सेना के हरावल जस्ते का नेतृत्व है, देश लगा कर लिख लो, हकीम खान सूरी ने किया था, हकीम खान सूरी ने किया था, फिर लिखो, प्रताप की सेना के चंदावल जस्ते का नेतृत्व है, प्रताप की सेना के चंदावल जस्ते का नेतृत्व है, चंदावल के कोष्ठ में लिख लेना पीछे की पंक्ति, नाम लिख लो ताराचंद बामासा कृष्णदास चुंडावत पुंजा भील,
कृष्णदास चुंडावत पुंजा भील। लिख लिया, नीचे फिर लिखो, नोट डाल के लिखो। प्रताप की भील सेना का नेतृत्व है, प्रताप की भील सेना का नेतृत्व है। प्रताप की भील सेना का नेतृत्व है किसने किया था? पुंजा भील ने। पुंजा भील ने किया था। फिर लिखो, अकबर व प्रताप की सेना का अनुपात 1:4। बाने भी बोलवा दे तो थोड़ा थियारा टाला टाला बोल रहा। देखो, अकबर व प्रताप की सेना का अनुपात। हाँ, अकबर व प्रताप की सेना का अनुपात 4:1। साइंस है थारे? साइंस लेर कौन सा घट जीत रहे? अब 2-3 साल आपकी यहाँ बात दिखा दी मैं साइंस वाला। लिखो अगला पॉइंट, लिखो। अरे पार्ट रहा तो बेचारा गरीब हूं मैं, तो पहले भी बैठा और अब भी बैठे ही आगो का ही है। हाँ, सिलेक्शन साइंस वाला देसी। ओ मन पक्को विश्वास है सिलेक्शन साइंस वाला देसी बड़ी ने पीएम टीम तो दिया है। आगे लिखो अगला पॉइंट, लिखो हल्दी घाटी का युद्ध। अगला पॉइंट लिखो। अरे छोड़ो, माथा बड़ी थोड़ी करनी है, मतलब मजाक कर रहा था तो आप सीरियस लेकर बैठ गए, ये मामला बड़ा गंभीर बन जाएगा बाद में। लिखो अगला पॉइंट, लिखो। इस युद्ध में कल से आप क्लास में लड़ोगे, तू आर्ट वाला मैं साइंस वाला, कुछ नहीं है ये, बस मोह माया का जाल है, चुपचाप लिख लो। लिखो, इस युद्ध में प्रताप की ओर से लड़ता हुआ, इस युद्ध में प्रताप की ओर से लड़ता हुआ ग्वालियर का शासक, इस युद्ध में प्रताप की ओर से लड़ता हुआ ग्वालियर का शासक राम शाह तंवर। अब कहते बोले भाई सर, देखो राम शाह तंवर अपने परिवार सहित मारा गया था। राम शाह तंवर अपने परिवार सहित मारा गया था। और ये जीत ही रहे थे अपने वाले, लेकिन अकबर के दरबार में एक दरबारी, अकबर की सेना का एक सेनापति था मिहितर खां, उसने झूठ बोल दिया रामी ने। उसने कहा अकबर आ रहा है पीछे से, झूठी अफवाह फैला दी। किसके आने की? अकबर के आने की। तो लिखो, ये कह रहे हैं कि 8-8 रोज ने झूठ बोला, जिस दिन मैं भी बोलगा। लिखो मिहितर खां ने थे मन मत बताओ, क्योंकि मेरे थारू एक एक्स्ट्रा उपजा है, ठीक है। हाँ, लिखो, मिहितर खां ने अकबर के आने की, लेकिन तने स्टेज को नहीं मिल रही हो, देखो मन स्टेज मिल रही है, इसलिए रुक जाओ। मिहितर खां ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी थी। अगला पॉइंट लिखो, सादड़ी के जाला बिद्दा
सारे दिन साइंस मैथ कौन करना है अब। हाँ तो टाबरा ने कोई खिलौना दे दे, दे दियो। देखो सादड़ी के जाला विद्या कोष्ट में लिखना मन्ना, विद्या का दूसरा नाम क्या था? मन्ना। जाला विद्या ने राजकीय छत्र धारण कर, सादड़ी के जाला विद्या या मन्ना ने राजकीय छत्र धारण कर महाराणा प्रताप के प्राण बचाए थे। हाँ प्रताप के प्राण बचाए थे। एल का सब्जेक्ट कौन सा था जना? प्रताप बचाए। अगला पॉइंट लिखो। ये सारे हिस्ट्री से ही निकले हैं, ये साइंस वगैरह सब कुछ हिस्ट्री से ही निकला है, इसलिए सारे सब्जेक्टों की जननी हिस्ट्री है। प्राण बचाए थे। अगला पॉइंट लिखो। प्रताप का प्रिय घोड़ा, प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक, प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक इस युद्ध में घायल होकर मारा गया था। लिखना चेतक का चबूतरा, चेतक का चबूतरा स्मारक छतरी, तीनों में से कोई नाम आ जाए। चेतक का चबूतरा स्मारक या छतरी, बलीचा गांव। राजसमंद में बना हुआ अब सुनना, ये युद्ध हाथियों के मध्य भी लड़ा गया था। नीचे लिखो, यह युद्ध हाथियों के मध्य लड़ा गया था। इधर लिखना मुगलों के हाथी, प्रताप के हाथी, मुगलों वाले हाथियों में नाम लिखना गजराज, गजमुक्ता। रणमादार, मर्दाना, मर्दाना मानसिंह का हाथी था, और हवाई सिंह मत लगा दीजिए, हवाई सिंह न, हवाई अकबर का हाथी। प्रताप वाले जो हाथी है उनका नाम है राम प्रसाद, लोना प्रसाद, खांडे राव, चक्करवाप, चक्करवाप लिख लिए। नीचे लाइन में लिखो, इस युद्ध में प्रताप का प्रिय हाथी, इस युद्ध में प्रताप का प्रिय हाथी मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया था।
प्रताप का प्रिय हाथी राम प्रसाद मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया था। प्रिय हाथी राम प्रसाद मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया था। जिसका नाम बदलकर अकबर ने पीर प्रसाद रख दिया था। जिसका नाम बदलकर अकबर ने पीर प्रसाद रख दिया था। ये हाथी इतना समझदार था कि अकबर इसको पकड़ के लेकर गए, चले गए वहां और मुगलों के पास रहा, तो इस हाथी ने 1 महीने तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। आखिरकार यह हाथी मर ही गया, लेकिन मुगलों की कोई भी बात इस हाथी ने स्वीकार नहीं की। हाथी भी इतने समझदार होते थे कि देखो, और वास्तविक बात है, जानवर बहुत बड़ा वफादार होता है आदमी का। चाहे घोड़ा देख लो, चाहे कुत्ता देख लो, ये बहुत बड़े वफादार होते हैं। बुद्धि तो उनमें होती है, वो बस बोलकर बता नहीं पाते, इतना ही अंतर है। वे हाथी था, इसके लिए जितने काम करने थे उतने सारे हथकंडे अपना लिए, सारी सारी चीजें ला कर रख दी, लेकिन अकबर के दरबार में टच तक नहीं किया। किसने? राम प्रसाद ने। तो कोई पर्सन घुमा कर दे दे कि महाराणा प्रताप का कौन सा हाथी अकबर के दरबार में मर गया था, यही है। कौन सा? इस युद्ध में अकबर का दरबारी इतिहासकार था बदायूनी। ये अकबर का दरबारी इतिहासकार बदायूनी प्रत्यक्षदर्शी था। आदमी का नाम क्या है? बदायूनी। एक ये है कौन? आसफ खां। आसफ खां मानसिंह के साथ है ना। तो जब जून में तो युद्ध हो रहा है, देखो कितने भयंकर गर्मी होगी, 21 जून की बात, तो उस गर्मी के बीच में इतना भयंकर रूप से जब युद्ध हो रहा था, तो कुछ तो गर्मी थी, कुछ तलवार आपस में बज रही थी, कुछ खून की बौछार उठ रही थी। उसमें यह नहीं पता चला, ये आसफ खां बदायूनी से पूछता है कि यार मुझे ये नहीं पता चल रहा मुगलों का सेनापति कौन सा है और राजपूतों का कौन सा है। आसफ खां किसको कह रहा है? बदायूनी इस बात को बदलकर आसफ खां को कह रहा है, आप तो तलवार चलाते जाओ, आखिरकार मरना कोई राजपूत ही है। तो बदायूनी ने आसफ खां को कहा कि मरना कोई राजपूत ही है। क्यों? क्योंकि एक तरफ मानसिंह नेतृत्व कर रहा है और मानसिंह की सेना में खूब ज्यादा राजपूत थे, एक तरफ प्रताप है, प्रताप वाली में भी कौन थे, तो मूलतः तो राजपूत राजपूत ही लड़ मरे। अकबर का तो सिर्फ नाम नाम ही आ रहा है, इसलिए बदायूनी ने कहा आप तलवार चलाते जाओ, आखिरकार मरना कोई राजपूत ही है। बदायूनी ने यह शब्द किसको कहे? आसफ खां वाली बात कोई नहीं पूछेगा कि यार मुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं तलवार किधर चलाऊं, बदायूनी वाली बात पूछेंगे। तो नीचे लिखना, बदायूनी ने आसफ खां को कहा था, बदायूनी ने आसफ खां को कहा था। आसफ खां को कहा था, इन्वर्टेड कोमा में लिखना, आप तलवार चलाते जाओ, आखिरकार मरना कोई राजपूत ही है। आप तलवार चलाते जाओ, आखिरकार मरना कोई राजपूत ही है। और एक तो ये बदायूनी, एक वो सूर्यमल मिश्रण, ये दोनों आदमी तलवारों की खनखनाहट के बीच में जाकर लिखते थे। उधर तो देखो अधिक 1857 की क्रांति की बात सूर्यमल मिश्रण ने तलवारों की खनखनाहट में जाकर लिखी, वीर सतसई बताई थी क्या? इधर ये अकबर का दरबारी इतिहासकार है बदायूनी, इसका इतिहासकार है अकबर का दरबारी इतिहासकार है, तो ये इस युद्ध में शामिल था, तो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। कौन? बदायूनी। तो बदायूनी प्रत्यक्षदर्शी था, तो जब तलवारें आपस में चल रही थी तो ये क्या करता है, उन राजपूतों के सिर उठा उठा के और उनकी मेड़ छिनता है। सिर कटे हुए थे ना, उनको उठा उठा उनकी मेड़ छिन रहा है। कौन? बदायूनी। अब हाथ भर गए खून के और पसीना तो आ ही रहा था, गर्मी का मौसम था, वो हाथ ऐसे रगड़ लिए और वो खून लग गया डाडी के। आरपीसी वालों को भगवान जाने क्या सूझा, प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछा? राजपूतों के खून से डाडी रंगने वाला व्यक्ति कौन था? मैं लिखाऊंगा नहीं है इतना गंदा प्रश्न, बस याद रखना कौन था?
बदायूनी। इस युद्ध भूमि में ये बात एक पुस्तक लिखता है, ये इसकी पुस्तक का नाम है मुंत ख्वाब उल तवारिक। हाँ, फारसी भाषा में है। पुस्तक का नाम क्या है? मुंत ख्वाब उल तवारिक। किसकी पुस्तक है? और इस पुस्तक में हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन मिलता है, क्योंकि ये तो प्रत्यक्षदर्शी था इसलिए आंखों देखा वर्णन है। तो नीचे लिखो, अकबर के दरबारी इतिहासकार, अकबर के दरबारी इतिहासकार बदायूनी, अकबर के दरबारी इतिहासकार बदायूनी इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे इस युद्ध के प्रत्यक्ष ये तो युद्ध में लड़ भी रहा था और सेनापति भी था, दोनों कामों में था, इतिहासकार तो था ही सेनापति था ही, प्रत्यक्षदर्शी थे, जिसने अपनी पुस्तक मुंत ख्वाब उल तवारिक, अपनी पुस्तक मुंत ख्वाब उल तवारिक में हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। आंखों देखा वर्णन करने वाला कौन था? बदायूनी। ये युद्ध अनिर्णायक रहा ही था। नीचे लिखो, यह युद्ध अनिर्णायक रहा था। अब इस युद्ध के बारे में तीन कथन है। इतना बड़ा युद्ध हुआ तो कर्नल टोड तो आना लाजमी बनता ही है। हाँ, तो ध्यान देना, एक तो है कर्नल टोड। तो कर्नल टोड कह रहा है कि ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, इस युद्ध को कह रहा है मेवाड़ की थर्मोपली। किसने कहा? कर्नल टोड ने। एक इतिहासकार है बदायूनी, ये बदायूनी था एक पुस्तक वाला, ये कह रहा है गोगुंदा का युद्ध। क्या कह रहा है? गोगुंदा का युद्ध। और एक इतिहासकार है अबुल फजल, और अबुल फजल ये कह रहा है खमनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? एक आदर्शी लाल श्रीवास्तव है, वो बादशाह का युद्ध कह रहा है। कोई खास बात नहीं है, याद ही नहीं करना, ध्यान देना, ये आराम से याद होंगे। कर्नल थर्मल ऊपर रह ऊपर रह, ठीक है। ये मैं देखो, ऊपर बिंदी नीचे मात्रा, ऊपर बिंदी नीचे मात्रा, दो तो मत याद हुए, ये तीसरा ने कह रहा याद कर लीजिए और कह रहा। तो खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। अब भी अगर गलत कर दिया ना एग्जाम में आओगे तो फिर भगवान खैर नहीं करेगा थारी भी। ऊपर दोनों पर नाम है रे कर्नल थर्मल, आराम से याद हो सके, ऊपर मात्रा ऊपर बिंदी नीचे मात्रा, तो गोगुंदा बदायूनी। तो दोनों तीनों नाम लिख लो यहाँ, कौन सो कौन सा पर बदायूनी पर बिंदी है ना, आफा लगा देगा। अरे आवे एक ना आवे, साइंस को स्टूडेंट है ना, प्रैक्टिकल कौन करना, तो अठे तो सिर्फ इतिहास में जोड़ गांठ करना है, जोड़ बिल्कुल ही कौन बोलनी है। ऐ तो मैं देखू डॉक्टर ने आधी सुबह आधी शाम की अब भूखे पेट लेनी है, कदे कदे दूसरी पर लिख दी के करे, तो करे के मन ध्यान है, झूठ सऊ ज्यादा कौन बोल रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आठ वाला झूठ बोल रहे, पर आठ वाला तो बोले ही बोले के करें, दसवीं ताणी साइंस वाला कभी आर्ट ही रहा है।
अरे छोटो झंझट लिखो, क्योंकि 800 उत्पन्न हुई है साइंस, इसलिए महत्वपूर्ण कौन लिख लिया के पांच नाम। ये हल्दी घाटी का युद्ध पूरा पॉइंट डालो, कुंभलगढ़ का युद्ध किने साइंस वाला। अरे बस सत्येंद्र जी आप बहुत बुरा मारता, सत्येंद्र जी सरा मन साइंस पढ़ाता बे, बे मारता तो कोई कदे जदे ही, पर बस सारणी याद को नहीं होती, एच टूर एन और ओ टूर क्या क्या बा, क्या का नाम आया करता, अब कौन सी सारणी बा आज भी कौन है। बस मेरा सिर्फ और सिर्फ साइंस में बस नाम याद है, मटर का पौधा पर प्रयोग ग्रेगर मेंडल, हाँ आरबीसी को कार्यकाल 120 दिन, ये दो प्रश्न याद हुआ। हालांकि पहले मैं बीएससी करी है, अभी बता दो थाने लिख लो अब कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध तो सही ली मको नहीं ली गए, बारी बाद में थे कौन कौन आर्ट ले ली सही से बताओ, जगह बारी ताने साइंस सिर्फ बाद में आर्ट ली है, एक दो तीन तीन ही के, और आपकी इज्जत बचा बाकी बता रहे कौन, बाकी मन ध्यान है क्योंकि 50% विद्यार्थी बारहवीं के बाद में आर्ट ले लेते। सही बात ये भी है, मैं बताऊं कि अगर नौकरी जल्दी पानी है तो बारहवीं तक साइंस पढ़ने के बाद आर्ट ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसको हाँ दोनों चीजों का नॉलेज होने के बाद जल्दी नौकरी मिल सकती है। हालांकि जिन्होंने नहीं लिया तो वो दुख प्रकट न करे, सुनो हाँ पॉइंट डालो, कुंभलगढ़ का युद्ध, और कुंभलगढ़ के युद्ध में फिर युद्ध हुआ, देखो 1576 में, बस अब बातें नहीं करनी है, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मानसिंह आसफ खां आ गए, लेकिन ये युद्ध निर्णायक रहा, अकबर ने फिर अभियान भेजा, 1577 में भेज दिया, और 1577 में अकबर का जो सेनापति आया था वो 77 में आक्रमण करता है, 78 में आक्रमण करता है, 79 में आक्रमण करता है, तीन बार आक्रमण करता है मेवाड़ पर, और तीन बार आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था शाहबाज खान। क्या नाम था? शाहबाज खान। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अकबर के किस सेनापति ने मेवाड़ पर तीन बार आक्रमण किया था? अकबर ने मेवाड़ अभियान पर तीन बार किस सेनापति को भेजा? शाहबाज खान को भेजा था 77, 78 और 79 में। अब ये तीन बार आया है, 78 में आक्रमण किया, तो एक तरफ तो प्रताप और एक तरफ अकबर का सेनापति कौन? शाहबाज खान। किसका सेनापति है? अकबर का सेनापति। इस युद्ध में प्रताप पराजित हो गया। कौन पराजित हो गया? और प्रताप युद्ध में हारने के बाद अपनी राजधानी कुंभलगढ़ से बदल लेता है और यह बना लेता है आवरगढ़, और आवरगढ़ अस्थाई राजधानी है। अब ध्यान देना, पहले इनका चित्तौड़ जीता हुआ है, अब चित्तौड़ के बाद कुंभलगढ़ जीत लिया, तो प्रताप ने अस्थाई राजधानी बनाई आवरगढ़, ए आवरगढ़ ए अस्थाई, आराम से याद रहा इसका, कौन सी राजधानी आवरगढ़ अस्थाई राजधानी कौन सी थी? आवरगढ़ राजधानी थी। इसमें दो इतने एक साल बिताए और इनके बाद इन्होंने दिवेर को अपना ठिकाना बना लिया, और ये दिवेर रहने लग गए। दिवेर भी कहां पर है? राजसमंद में। और फिर इनके बाद जो अभियान भेजा था उस अभियान में आया था अब्दुल रहीम खान खाना, लेकिन ध्यान देना इसने आवरगढ़ अपनी राजधानी बना ली। ये तीन बार आया था। इस युद्ध में हारने के बाद महाराणा प्रताप को भामाशाह व ताराचंद, ये दो पहले नाम लिखे थे ना, ये दोनों भाई थे, पाली जिले के रहने वाले थे। कौन से जिले के? भामाशाह और ताराचंद ने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए तो नगद दिए और 20 लाख रुपए की स्वर्ण मुद्रा दी, सोना दिया 20 लाख का। किसको? अरे चुपचाप लिखो,
फोन पे कर दिया, नगद दिए थे। इस राशि से 25 लाख और 20 लाख राशि से इन्होंने दोबारा सेना का गठन किया। किसने? महाराणा प्रताप ने। और दोबारा सेना का गठन करके और बाद में इन्होंने दिवेर का युद्ध लड़ा। प्रश्न ये बना, किस युद्ध के बाद राशि दी? कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद। यह अच्छा प्रश्न बनता है क्योंकि इस भामाशाह को कहा जाता है हल्दी घाटी का उद्धारक। हल्दी घाटी का उद्धारक कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेवाड़ का दानवीर। मेवाड़ का दानवीर किसको कहा जाता है? तो प्रश्न आएगा हल्दी घाटी का उद्धारक, हम लिखेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद पैसे दिए। नहीं, कौन से युद्ध के बाद दिए? कुंभलगढ़ के युद्ध। लिखो कुंभलगढ़ का युद्ध 1578। महाराणा प्रताप वर्सेज शाहबाज खान। महाराणा प्रताप वर्सेज शाहबाज खान। शाहबाज खान के कोष्ठक में लिख लेना अकबर का सेनापति। अकबर का सेनापति। नीचे लिखो प्रताप पराजित। प्रताप पराजित। लिखना इस युद्ध में पराजित होने के पश्चात, इस युद्ध में पराजित होने के पश्चात प्रताप ने आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो, अकबर ने शाहबाज खान को अकबर ने शाहबाज खान को 1577-78 में तीन बार मेवाड़ अभियान पर भेजा था। अगला पॉइंट लिखो, कुंभलगढ़ के युद्ध में, ध्यान देना मैं पूरी लाइन इसीलिए लिखा रहा हूं, युद्ध ही पूछते हैं लगभग। लिखना कुंभलगढ़ के युद्ध में पराजित होने के पश्चात भामाशाह ने महाराणा प्रताप को पच्चीस लाख नगद व 20 लाख की स्वर्ण मुद्रा देकर, उल्टा लिखा दिया, हजार को नहीं बता लाख करो इन काट के, 25 लाख नगद व 20 लाख की स्वर्ण मुद्रा देकर लिखा है ना, 25 लाख स्वर्ण मुद्रा देकर आर्थिक सहयोग किया था। स्वर्ण मुद्रा देकर आर्थिक सहयोग किया था। अगला पॉइंट लिखो, भामाशाह मूलतः पाली जिले का रहने वाला था।
भामाशाह मूलतः है पाली जिले का रहने वाला था। पाली जिले का रहने वाला था, फिर लिखना अगला पॉइंट। भामाशाह को हल्दी घाटी का उद्धारक, भामाशाह को हल्दी घाटी का उद्धारक और मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है। दानवीर कहा जाता है। और लास्ट लाइन लिखना, 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुर रहीम को मेवाड़ अभियान पर भेजा था।